अगर आपके पास क्वेश्चन में ये गिवन हो आपको कि एक ब्लॉक है, आपको एक ब्लॉक दे दिया, इस ब्लॉक पे मैंने फोर्स एफ लगाई और ये ब्लॉक आगे एक्सलरेट कर रहा है विद ए, और इसका मास क्या है एम, आप फॉर्मूला क्या लगाओगे एफ का, एफ इज इक्वल टू एम इन टू ए, सही है, हम लगाते आए हैं यही लग रहे हैं। किसी ने कहा सर न्यूटन का सेकेंड लॉ लगाया, मैंने कहा हाँ न्यूटन का सेकेंड लॉ लगाया, तो कोई बोला कि न्यूटन का सेकेंड लॉ लगाया लेकिन ये लॉ थोड़ी ना होता है, लॉ तो ये होता है एफ इज इक्वल टू डी पी बाय डी टी, तो मैंने कहा यही तो लगाया, वो कहता कैसे, कहता डी बाय डी टी को एम इन टू वी लिख ले, और क्योंकि ब्लॉक का मास कॉन्स्टेंट है, धक्का मारने से एम तो चेंज होगा नहीं, एम को बाहर निकाल लें क्या बनेगा डी वी बाय डी टी जो कि क्या होता है ए, तो एफ इज इक्वल टू एम इन टू ए, बात तो ए की है, कोई डाउट है इसमें, सही है। लेकिन अब क्वेश्चन चेंज हो जाएगा, अब जो फॉर्मूला या अब क्वेश्चन कैसा है, क्वेश्चन ऐसा है आपके पास एक बैलून है, बैलून में एयर है, हवा है, तो आपने देखा होगा अगर बैलून यहाँ से खुल जाए और हवा नीचे आ जाए, मान लो वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड, कांस्टेंट वेलोसिटी से हवा निकल रही है, तो बैलून यहाँ पे रेस्ट पे रहेगा ही नहीं, बैलून कहाँ जाएगा, ऊपर उड़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन ये है बैलून के ऊपर जाने की फोर्स बताओ क्या होगी, और क्वेश्चन में ये भी गिवन है कि कितना मास एयर का बाहर निकल रहा है, ऐसा कभी भी गिवन नहीं होता, जब क्वेश्चन लिक्विड्स एंड गैसेस पे आते हैं, लिक्विड और कभी गैस का क्वेश्चन आएगा, आप याद करो 10th की प्रॉब्लम की आपने मेंस्ट्रुएशन की, कि पानी निकल रहा है ट्यूब में से, कभी नहीं बोलता वो 5 लीटर पानी निकला, वो बोलता है 5 लीटर पानी निकला पर सेकेंड, अमाउंट ऑफ वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड, मास फ्लोइंग पर सेकेंड, पानी को ऐसे मेजर नहीं करते कि ट्यूब में से 2 लीटर पानी निकला, गलत, पानी निकला पर सेकेंड, जिसको रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर बोलते हैं। और गैस को भी ऐसे कभी मेजर नहीं करते कि 10 किलो गैस निकल गई, ना 10 किलो गैस तो पूरी जन्म में निकलेगी, वो तो एयर का पार्टिकल रह जाएगा, 10 किलो गैस निकली 1 घंटे में निकली, आधे घंटे में निकली, 1 सेकेंड में निकली, तो समझ में आ रहा है यहाँ तक। तो गैस एंड वाटर या लिक्विड के केस में आपको हमेशा क्या गिवन होगा, मास नहीं, मास फ्लोइंग पर सेकेंड। तो मान लो क्वेश्चन में गिवन है 10 kg मास गैस निकल गया पर सेकेंड, कोई डाउट इसमें, ये गिवन है, और आपको क्या निकालना है, गैस नीचे निकल रही है, फोर्स निकालनी है। अब फोर्स का फॉर्मूला न्यूटन के लॉ से तो मैंने आपको बता ही दिया था, एफ इज इक्वल टू एम इन टू ए, कभी नहीं लगेगा एम इन टू ए, कभी लिक्विड और गैस पे लगता ही नहीं, एम इन टू ए हमेशा सॉलिड ब्लॉक्स पे लगता है या कार या ट्रक पे लगता है, लेकिन गैस या लिक्विड पे कभी नहीं लगता। तो क्या लगता है, डी पी बाय डी टी, यही लगता है, स्टार्ट यहीं से करना होता है, गैस का और लिक्विड का क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट होगा। तो अगला स्टेप क्या होगा, एफ इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ एम इन टू वी, तो एक स्टूडेंट बोला सर ये तो वही बात होगी, एम को बाहर निकाल लो, एम इन टू ए हो गया, गलत, इस बार गैस और लिक्विड में मास कभी कांस्टेंट होता ही नहीं, वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, गैस की निकलने की वेलोसिटी कांस्टेंट है, पानी की ट्यूब में से निकलने की वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो आप लोग क्या करेंगे, वेलोसिटी बाहर निकालेंगे, और क्या बचेगा डी एम बाई डी टी, तो वेलोसिटी इंटू डी एम बाई डी टी का मतलब क्या होता है, मास फ्लोइंग पर सेकेंड, समझ में आ रहा है यहां तक। अब क्वेश्चन के अंदर देखो वेलोसिटी की वैल्यू कितनी है 5, मास फ्लोइंग कितना है 10, आंसर कितना आ गया 15 न्यूटन, ऐसे होगा। लेकिन ये कॉन्सेप्ट कब लगेगा, जब वेलोसिटी बाहर निकलेगी और डीएम बाई डी टी बचेगा सिर्फ लिक्विड और गैसेस में। ये स्टेप क्लियर है, एम इन टू वी क्लियर है, अगर ये सॉलिड होता तो एम बाहर आता तो एम इन टू ए हो जाता, पर अगर ये लिक्विड या गैस है जिसकी वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट गिवन होगी तो वी बाहर आएगा, तो क्या बचेगा डीएम बाई डी टी, डीएम क्या होता है मास, डीटी क्या होता है टाइम, मास बाई टाइम जो कि ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है 10 गिवन है, ये गिवन होगा क्वेश्चन में आंसर। तो ट्रिक समझ में आ रहा है, सॉलिड और लिक्विड की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो सकती है, ठीक है यहां तक, और सॉलिड नहीं लिक्विड और गैस की प्रॉब्लम, सॉलिड की नहीं, सॉलिड में तो एम इन टू ए हम इतनी देर से कर क्या रहे हैं, 3 लेक्चर में सॉलिड ब्लॉक्स ही तो ले रहे हैं, उसमें तो हमने डीपी बाई डी टी लगाया ही नहीं, उसमें तो हमेशा एम इन टू ए जरूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि उसमें मास तो हमेशा कॉन्स्टेंट है, लेकिन लिक्विड और गैसेज में मास वेरिएबल है, चेंज होता है डीएम बाई डी टी,
हाँ हो जाएगा, लेकिन उसका रेट सेम रहता है, निकलने का डीएम बाई डीटी सेम रहता है। तो मैंने बोला नहीं, मैंने कहा डीएम बाई डीटी सेम रहता है, ये कांस्टेंट है, ये रेट कांस्टेंट है, निकलने का रेट कांस्टेंट है, मास नहीं, मास वन टाइम कांस्टेंट है इसमें। अकेला मास मैटर नहीं करता ना लिक्विड और गैस में, मास वन टाइम मैटर करता है, वो कांस्टेंट है। क्लियर है यहाँ तक? फॉर्मूला रजिस्टर ओपन करेंगे, उसमें एक फॉर्मूला लिखेंगे। अगर आपके पास, नेक्स्ट प्रॉब्लम है ये, अगर आपके पास एक ट्यूब गिवन है और इसमें लिक्विड है और ये लिक्विड बाहर निकल रहा है विद अ वेलोसिटी ऑफ वी, वी वेलोसिटी से लिक्विड बाहर निकल रहा है और वी कांस्टेंट वेलोसिटी से, ठीक, और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, ट्यूब का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, ठीक। तो एक फॉर्मूला नोट करना है, वॉल्यूम कितना बाहर निकल रहा है पर सेकेंड इस ट्यूब में से इज ऑलवेज गिवन बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू वेलोसिटी। ये फॉर्मूला है वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड का। तो शॉर्टकट में वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड इज ए इनटू वी, ये फॉर्मूला नोट कर लें। तो अगर मैं पूछूं ट्यूब में से कितना वॉल्यूम निकल रहा है पर सेकेंड, तो एरिया इनटू वेलोसिटी। अब ऐसा क्यों बोला ये बताओ, एरिया इनटू वेलोसिटी, एरिया के यूनिट्स क्या होते हैं, मीटर स्क्वायर, वेलोसिटी का क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, मल्टीप्लाई करो मीटर क्यूब पर वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड। तो शॉर्टकट याद रखना, एरिया इनटू वेलोसिटी हमेशा क्या देगा, ट्यूब में से वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड, ये नोट करें। मैंने कहा कि फॉर्मूला लिखवाया मैंने कि कितना वॉल्यूम निकल रहा है पर सेकेंड, उसका फॉर्मूला लिखो एरिया इनटू वेलोसिटी, कैसे, एरिया मीटर स्क्वायर है, वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड है, मल्टीप्लाई करो मीटर क्यूब पर सेकेंड, तो वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड। और अगर मान लो क्वेश्चन मॉडिफाई होके आ गया क्या, कि अगर मान लो लिक्विड की डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ लिक्विड गिवन है रो, और मेरे को क्या निकालना है, मेरे को निकालना है मास फ्लोइंग पर सेकेंड, तो मास को क्या लिख सकते हैं बोलो, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी पर सेकेंड। लेकिन वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड का फॉर्मूला ऑलरेडी पता है, एरिया इनटू वेलोसिटी इनटू डेंसिटी, तो मास फ्लोइंग पर सेकेंड का ये फॉर्मूला। तो कुछ नहीं किया, मास फ्लोइंग पर सेकेंड क्या होता है, वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड इनटू डेंसिटी। देखो ना, मास फ्लोइंग पर सेकेंड में न्यूमिनेटर मास को क्या लिखा, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, और वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड तो पता है आपको, एरिया इनटू वेलोसिटी इनटू डेंसिटी। तो मास फ्लोइंग पर सेकेंड, वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड क्लियर है कैसे निकलेंगे, एरिया इनटू वेलोसिटी इनटू डेंसिटी। वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड क्या, एरिया इनटू वेलोसिटी और इनटू डेंसिटी, मास फ्लोइंग पर सेकेंड। अगर मान लो एक ट्यूब का वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड निकालना है तो सिर्फ एरिया इनटू वेलोसिटी, अगर मास फ्लोइंग पर सेकेंड निकालना है तो इसको डेंसिटी से मल्टीप्लाई। ये दो चीजें हैं, ठीक है यहां तक? ठीक है यहां तक? ठीक है यहाँ तक? ठीक। अब क्वेश्चन में ये गिवन है, क्वेश्चन ऐसे गिवन है, ये तो हो गया। क्वेश्चन ये गिवन है कि आपके पास एक ट्यूब है, ट्यूब में से लिक्विड बाहर निकल रहा है, जो कांस्टेंट वेलोसिटी भी, सामने दीवार है, दीवार पे जाके लग रहा है, दीवार पे क्या फोर्स लगाएगा ये बताओ, लिक्विड दीवार पे क्या फोर्स लगाएगा ये बताओ, और लिक्विड की डेंसिटी गिवन है रो और एरिया गिवन है ए। लिक्विड और गैस का क्वेश्चन जब आएगा और फोर्स कैलकुलेशन होगी, उसका स्टार्टिंग पॉइंट एक ही रहेगा, एफ इज डी पी बाई डी टी, और पी की जगह क्या पुट करेंगे, एम इंटू वी,
दूसरा स्टेप हमेशा ये रहेगा, पानी में, लिक्विड में और गैसेस में वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट है, क्या बचा डीएम बाई डी टी। डीएम का मतलब मास है, डीटी का मतलब टाइम है, और मास का मतलब क्या है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी अपॉन टाइम है। अब वेलोसिटी पता है, वॉल्यूम अपॉन सेकंड क्या होता है, एरिया इनटू वेलोसिटी, शॉर्टकट करवाया चेक कर लो, वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकंड की जगह क्या पुट किया, एरिया इनटू वेलोसिटी इनटू डेंसिटी, ये ऑब्जेक्टिव आपको आएगा मार्क करने के लिए। तो कुछ नहीं करना, अगर ये कर रखा है तभी समझ में आएगा, नहीं कर रखा तो ऑब्जेक्टिव मार्क ही नहीं कर पाओगे। तो लिक्विड और गैसेस का कॉन्सेप्ट कैसे चलता है समझ में आ रहा है यहाँ तक, कोई डाउट इसमें? ठीक,